इन दोनों संधियों के संपन्न हो जाने पर कंपनी की स्थिति अत्यंत ही मजबूत हो गई। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। क्लाइव के इस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व थी। इस तरह दीवानी और निजामत, जिसमें दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा निजामत के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों के अधिकार शामिल थे, पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गए। द्वैत शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष सम्राट को तथा 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के संचालन के लिए दिया जाना था। शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थी। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का तथा राजा शिताब राय को बिहार का दीवान बनाया। शीघ्र ही द्वैत शासन प्रणाली का दुष्परिणाम देखने को मिला। देश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और न्याय मात्र बीते समय की बात होकर रह गया। इस संदर्भ में लॉर्ड कार्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765-1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। द्वैत शासन से कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, राजस्व वसूली सर्वोच्च बोली बोलने वालों को दी जाने लगी और ऊपर से 1770 में बंगाल के अकाल ने तो कृषकों की जैसे कमर ही तोड़ दी। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सम्राट शाहआलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ाके जिले एवं कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर छीन कर मुगल बादशाह को दे दिया। इसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाहआलम द्वितीय को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया। इन दोनों संधियों के संपन्न हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अत्यंत ही मजबूत हो गई। द्वैत शासन का व्यापार तथा व्यवसाय पर भी गलत असर पड़ा। भारतीय व्यापारियों के शोषण की गति तीव्र हो गई। बंगाल के वस्त्र तथा रेशम उद्योग इसमें काफी प्रभावित हुए। द्वैत व्यवस्था मात्र ब्रिटिश हित को सर्वोपरि रखती थी। क्लाइव द्वारा निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा इसने आंतरिक कर संग्रह को अनिवार्य बना दिया। क्लाइव ने कंपनी के सैनिकों के दोहरे भत्ते, जो शांति काल में मिलते थे, पर रोक लगा दी। ये सुविधा केवल बंगाल के सैनिकों को दी जाने लगी, जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत श्वेत सैनिक अधिकारियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया, जिसे कालांतर में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लाइव इस विद्रोह को सफलता से दबाने में सफल हुआ। द्वैत प्रणाली के अंतर्गत कृषि को काफी नुकसान हुआ। भूमि कर कृषकों पर बहुत अधिक होता था। भूमि कर संग्रह करने का भार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली लगाने वाले को सौंप दिया जाता था, जिसकी भूमि में स्थायी रूप से कोई रुचि नहीं थी। सबसे दुखद घटना थी 1770 का बंगाल का भयंकर अकाल, जिसमें अत्यधिक जान माल की क्षति हुई। अकाल के दिनों में भूमि कर दृढ़ता पूर्वक वसूल किया गया। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाया। ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उसने कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण किया, जिसको नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। ये निकाय उत्पादकों के समस्त माल नकद में लेकर निश्चित केंद्रों पर फुटकर व्यापारियों को बेच देता था। फरवरी 1767 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया।